नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ आज की जो ताजा खबरें हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा के लिए। तो किसान साथियों, अगर आप पोली हाउस और नट हाउस की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 20-21-22 तारीख को पंजाब नेशनल बैंक सच्चाखेड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा एक पोली हाउस और नट हाउस का जो प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसका आयोजन किया जा रहा है। तो सभी किसान साथी वहां पर पहुंचकर, इच्छुक किसान साथी वहां पर पहुंचकर अपना जो पोली हाउस नट हाउस की जो पूरी जानकारी है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, वहां जाने से पहले एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड अपने साथ जरूर ले जाएं, क्योंकि वहां पंजीकरण में इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, अगर आपको ज्यादा अगर उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है प्रशिक्षण के बारे में, तो आप मेरे पीछे देखे जा रहे नंबर के ऊपर आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो वहां की सरकार ने जो MSP है उसको तय कर दिया है। वहां पर चने का और जो सरसों का जो MSP है वो तय कर दिया गया है और मंडियों में जो MSP की खरीद है वो भी शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी किसान साथी जो चना और सरसों उगाते हैं वो MSP पर अपनी फसलों को मंडी में जाकर बेच सकते हैं, अगर उन्होंने MSP का जो पंजीकरण है वो करवाया होगा। तो किसान साथियों, आप भी भविष्य में अपनी फसलों का जो पंजीकरण है वो करवाएं, ताकि आपकी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपको मिल पाए। किसान साथियों, अगर आपको ऐसी सरकारी योजनाएं प्राप्त करनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। किसान साथियों, अगर हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने ये योजना हाल ही में शुरू की है, जिससे जो किसान साथी सिंचाई में जो पीछे रह जाते थे, जिनके पास सिंचाई के लिए ज्यादा संसाधन नहीं थे, वो किसान साथी सोलर पंप लगाकर अपने खेत में अब इसका इस योजना के तहत अपना जो सब्सिडी है वो प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना के तहत किसान साथी अपनी जो सिंचाई है उसको अच्छा कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप पशुपालन करते हैं तो विभिन्न जो राज्यों के सरकारें हैं उन्होंने दुधारू पशुओं के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको लागू करने का काम किया है। पशुपालक इस बात से वंचित रह जाते थे कि उन्हें कई बार सब्सिडी नहीं मिलती थी, उनको पूरी जानकारी नहीं मिलती थी उन योजनाओं की। किसान साथियों, अगर आपको किसी भी पशुपालन भाई को, किसान साथी को, कोई भी पशुपालन की अगर स्कीम है, सरकारी योजना है, अगर उनकी जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। किसान साथियों, हमारे साथ ऐसे ही डेली की चर्चाओं पर जुड़े रहिएगा, हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, हम आपको ऐसी जानकारियां निरंतर देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।